मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती और पालकी रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी मर्द था मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 5,000 रुपये चुराए और पालकी रोड पर चला गया। मालकिन पहचान न सकी और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगवाई थी, जिस घर में मैं काम करता था। मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीब गरीब सी थी। पहले पहल तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, रात गहरी होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझे कहती, अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और खुद बाहर चली जाती है। मुझे हैरत होती कि रात को यह जाती कहाँ है। रात के 12 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाजार खुले होते और ना ही यह ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनाकर जाया जाए। मेरा मालकिन सज संवर कर हर रात तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती। मैं सोचता कि शायद पालकी रोड पर हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होंगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वह शहर से पार्टी के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती थी, खबरदार जो तुम रात को सोए, यह ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रहूं और तुम सोए रहो, इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता है। सुबह वह लंबी तान के सोती रहती और मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 18 साल का था और पूरे घर का काम मैं ही करता था, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 25,000 रुपये दे रही थी। मैं वहीं करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 25,000 में ही बेहद खुश थी, लेकिन जब मैं अपनी मालकिन को यही रूटीन एक महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा। वह रात 12 बजे जाती कहाँ है, फिर 4-5 घंटे के बाद वापस आती। जब आती तो बेहद थकी हुई होती थी, सीधा अपने कमरे में आती और सुबह 12 बजे ही उठकर बाहर आती थी। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वह जाते कहाँ हैं। रात को जैसे ही मालकिन मुझसे कह कर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मेन गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी, बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार गई थी। मैं तो अपना ही जलाकर बैठ गया था, और तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन वह बिस्तर पर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती थी और 4-5 घंटे के बाद आती थी, वापस आती और सो जाती। बहरहाल में फिर मालकिन की हर बात नोट करनी शुरू की। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा कि वह दिन के 1 बजे उठती थी, मुझे कहती कि मुझे नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वह अपना फ़ोन लेती और बातें करना शुरू कर देती थी। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी मालकिन किससे बात करती है और क्यों बात करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी और साथ साथ अपने फ़ोन पर बातें कर रही थी तो सारी आवाज़ किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाते रहता, बर्तन धोते रहता है, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को पालकी रोड आने का की कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान को करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसा राज खुलने लगे थे जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ थी। जैसे ही उसने किचन में खामोशी देखी तो पलट कर देखा तो मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था।
जैसे ही मेरी नज़र मालकिन से मिली तो मैं हड़बड़ाहट कर किचन के अंदर चला गया। मैं बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई, कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं भला क्या सुनूंगा। वह कहने लगी, अपने काम से काम रखना, अगर तुमने मेरी जासूसी करने की ज़रा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैंने हाँ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। सच पूछो तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत यह थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी, हालांकि वह ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यही कोई 25-26 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसके घर में ना तो कोई उसके बाप को देखा और ना ही पिता को, और ना ही मुझे यह मालूम था कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं। जब मैं नौकरी शुरू की थी तो मैं मालकिन से पूछा कि उनके पति कहाँ रहते हैं, तो वह हंसने लगी, कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का? मैंने कहा, बस आपको घर में कोई मर्द नहीं है आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि आपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे? आगे से मुझे सवाल जवाब मत करना कि मेरा पति कहाँ है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ, काम की काम से काम रखो, जो चाहे पोस्ट वो पूछ लेना, सिर्फ काम के बारे में। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता, और अपने काम से काम में रहता था। एक महीना ऐसे ही किया था, लेकिन उनकी जो बातें मैंने सुनी चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रखता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी, जब बाहर का दरवाज़ा खटखटा। हमारे घर पर कोई नहीं आता था। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था, मुझसे कहने लगा, यह मीना का घर है? मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं, आप कौन साहब? कहने लगा, उसे बोलो अमन आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुके, मैं एक बार पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दिया। कहने लगी, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम मीना है? यह सुना था कि मालकिन बेड से उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मीना है? तब मैंने कहा कि बाहर कोई लड़का, अमन नाम का लड़का आया है, वह कह रहा है कि मीना का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम पता नहीं। मेरी यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फौरन से उठी और तेज़ी से उस कमरे से बाहर निकल गई, और फिर उनके पीछे लपका कि देखूं कि नज़ारा क्या है। मेरी मालकिन बड़े गुस्से से कमरे से गई थी। दरवाज़ा खोला तो वह नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? उसके जवाब में जो कुछ उस नौजवान ने बोला, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी, जाओ यहाँ से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाने की कोशिश भी की तू। यह कहकर बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे पीछे मुड़ी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है घर कितना गंदा है? हालांकि घर की सफाई मैं अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था, बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात थी, बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन तो ऐसे कमरे में गई कि वापस ही नहीं आई। मैं रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे में दस्तक दी तो उन्होंने चिल्लाया, कहा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तो घबरा के 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। मैं कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फ़ौरन से वहाँ से पलट कर आ गया। हालांकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी प्लेट में 2-3 रोटी डाली और पेट भर के खाना खाया, और उसके बाद इस इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाएं और मैं कुछ देर बाद सो जाऊं। लेकिन 12 से
एक और एक से डेढ़ बज गया था। मुझे नींद से जवाइयाँ आ रही थी, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर पूछूं कि आपने कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूं। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही ना उतार दे। पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। मैं वहीं लाज के सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया। एक बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने भी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कमरे में दस्तक दी। मालकिन, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि उनका दरवाज़ा खोल कर देखूँ या फिर नहीं, या वापस पलट जाऊँ। क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ देर में देखता हूँ, अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन से नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंजर मैं अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुँह लेटी थी, उनके हाथ में एक शीशी थी। यह देखकर मेरी जान निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि ना जाने जहर ना खा लिया हो। मैं मालकिन के पास आया, उन्हें हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह शुद्ध पड़ी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं मर ही ना गई हूँ, यह ना हो कि उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था, समझ नहीं रहा था कि मालकिन को अस्पताल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मालकिन को ऐसी हालत में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, लेकिन नहीं लगता कि और यह खा पाएंगी, कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह बेहोशी हो चुकी हैं। काफ़ी इंजेक्शन लगाने के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर वह उठकर बैठ गई। अपने हाथ पर ड्रिप देखी और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद मैं नींद की गोली कुछ ज़्यादा ही ले ली, इसलिए नींद से ज़मीन पर गिरी थी। यह तो मुझे याद है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए हो? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिना मेरी इजाज़त के? मुझे तो मालकिन के अस्पताल लाने पर अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके उन्हें अस्पताल पहुँचाया, और ऊपर से मुझे ही बातें सुन रही थी। अब मुझे क्या पता था कि वह नींद ना आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई हैं। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी हैं। बहरहाल मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में उस नौजवान की बातें गूंज रही थी जो चंद दिन पहले आया था। कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढने के लिए मैंने कोई मुश्किल काम नहीं है, पालकी रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता वह मुझे खुद बताते हैं। कि सुना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पालकी रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। वह नौजवान यह भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी हैरत हुई थी।